दादाजी मैं अपनी गुल्लक तोड़ रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी तुझे एक साल भी नहीं हुआ इस गुल्लक को लिए हुए। पहले इसे पैसों से पूरा भर ले, फिर तोड़ लियो। नहीं दादाजी, मुझे मोबाइल लेना है। मोबाइल? मोबाइल तो पहले से ही है तेरे पास। वो तो बहुत स्लो चलता है, मुझे फास्ट वाला लेना है। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। फास्ट मोबाइल क्यों चाहिए जब उससे ही काम चल रहा है? वो ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए। ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं, तुझे गेम खेलने के लिए चाहिए होगा। आपको कैसे पता? क्या? नहीं, मेरा मतलब है मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए, मेरा मोबाइल ना सही नहीं चल रहा। सच कह रहा है ना? हाँ। चल फिर ले, ये पूरे 10,000 रुपए हैं। एक 10,000 रुपए वाला मोबाइल लिया। नहीं दादाजी, मुझे 30,000 रुपए वाला लेना है। 10,000 रुपए में स्लो मोबाइल ही मिलेगा। मेरे पास तो बेटा 10,000 रुपए ही हैं। फिर मैं तोड़ रहा हूँ गुल्लक। तोड़ ले, तोड़ ले। मेरी बात तो सुननी नहीं है तुझे, जो मन में आए वो कर। ठीक है, यहाँ तोड़ूं, वहाँ तोड़ूं, यहीं तोड़ लेता हूँ। दादाजी ये तो 5,000 रुपये ही हैं। और तोड़ ले, निकल गए 30,000 रुपये। कहा था मत तोड़ मत तोड़, मेरी सुनता ही नहीं है। हाँ बोल। अरे सचिन, मैं अपनी गुल्लक तोड़ रहा हूँ। अच्छा? हाँ, तूने कहा था ना जब तू गुल्लक तोड़े तो मुझे बता दियो। हाँ बोला तो था। हाँ तो इसलिए मैंने तुझे कॉल करके बताया है। तो रुक जा, मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने ही तोड़ियो। ठीक है, आजा, मैं रुका हुआ हूँ। कौन था बेटा, कौन तुझे बुला रहा है? नवीन था, वो कह रहा मैं अपनी गुल्लक तोड़ रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ उसके घर। चल फिर जा, मुझे भी बताइयो इसकी गुल्लक में कितने पैसे निकले। हाँ ठीक है दादाजी। बहुत देर हो गई, लगता है सचिन भैया नहीं आएंगे। हाँ सही कह रहा है, अब तोड़ ही लेता हूँ। हाँ तोड़ दो। अरे रुक जा, मेरे बिना ही तोड़ रहा है, मैंने रुकने को बोला था ना। तू बहुत देर में आया है। अरे कॉल आते ही घर से निकल गया था, फटाफट 11 नंबर की बस पकड़ी और आ गया। 11 नंबर? अरे एक और एक 11, यानी पैदल आया हूँ। 11 नंबर नहीं समझता क्या? चल अब जल्दी तोड़ इसे। हाँ कितने निकले? 50,000 ही निकले। थोड़े और निकल जाते तो मेरा 60,000 का गेमिंग पीसी आता। हाँ तेरी गुल्लक का क्या हुआ? मेरी तो बहुत छोटी गुल्लक थी। तो उसमें कितने पैसे निकले? जितने सोचो उससे बहुत कम निकले, मुझे भी गेमिंग पीसी खरीदना था। हाँ हाँ बता दो कितने निकले। 40,000। और तू भी अपनी गुल्लक तोड़ने ही कह रहा था, कब तोड़ेगा? मैं नहीं तोड़ रहा, जब तोड़ूंगा बता दूंगा। भैया जब गुल्लक तोड़ेंगे ना तो उसमें बहुत पैसे निकलेंगे। हाँ सही कह रहा है, इसके दादाजी से बहुत पैसे देते हैं। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा तेरी गुल्लक टूटने का, जब तोड़े तो मुझे भी बुला लियो। हाँ हाँ बोल तो रहा हूँ, जब तोड़ूंगा बता दूंगा। ठीक है बता दियो। पिताजी मैं ही गुल्लक तोड़ रहा हूँ। अरे बेटा तू क्यों तोड़ रहा है? मेरा काम बंद हो गया है, मुझे काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। बेटा काम के लिए मुझसे 1,00,000 रुपए ले ले। नहीं पिताजी, मुझे 5,00,000 रुपए की जरूरत है। अरे बेटा 1,00,000 में काम चला ले, ये गुल्लक बाद में तोड़ लियो।
पिताजी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे काम में लगाने हैं, इसलिए 1,00,000 रुपये भी मैं आपसे ले लूँगा और गुल्लक भी तोड़ूंगा। तो तोड़ ले, मेरी तो सुननी नहीं है तुझे, तोड़ अभी तोड़। अरे क्या बात है पापा, आप तोड़ रहे हो क्या अपनी गुल्लक? हाँ। अच्छा, इसमें इतना खुश क्यों हो रहा है? काम बंद हो गया इसलिए तोड़नी पड़ रही है। उसको क्यों डांट रहा है? एक तो मना करने पे भी गुल्लक तोड़ रहा है और इसको भी डांट रहा है। अभी भी कह रहा हूँ 1,00,000 रुपये ले ले, मत तोड़ गुल्लक। 1,00,000? दादाजी आपके पास 1,00,000 रुपये हैं? मुझे तो आपने 30,000 भी नहीं दिए, तो क्या करेगा? गेमिंग मोबाइल ही लेना होगा। तोड़ रहा हूँ पिताजी। नहीं पिताजी, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अरे पिताजी, इसमें तो पैसे ही पैसे हैं, मजा आ गया। अभी इसे कह रहा था कि खुश क्यों हो रहा है और अब खुद ही बत्तीसी दिखा रहा है। चल अब ये सारे पैसे ले जा और काम में लगा। हाँ पिताजी। दादाजी, आपने मुझे आज की पॉकेट मनी नहीं दी। बेटा अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, 1,00,000 रुपये जोड़े थे वो भी तेरे पापा ने ले लिए अपने काम के लिए। यानी कि दादाजी हम गरीब हो गए? नहीं बेटा, तेरे पापा ने काम में पैसे लगा दिए, अब धीरे धीरे कमाई होने लगेगी। नहीं हुई कमाई, मैं सारे पैसे हार गया। हार गया? तूने पैसे काम में लगाए थे या जुए में? पिताजी काम भी एक तरह का जुआ होता है, तो मैंने डायरेक्ट जुए में ही पैसे लगा दिए। क्या? हे भगवान, ये तूने मुझे कैसा बेटा दिया है। अच्छा हुआ ये घर है हमारे पास, नहीं तो तू मुझे रोड पे ले आता। घर है नहीं था। क्या मतलब है तेरा घर था? घर भी मैं जुए में हार गया। हम रोड पे ही आ गए हैं, ये मकान हमें आज ही खाली करना है। क्या? अरे दादाजी अब हम क्या करेंगे? बेटा गुल्लक सिर्फ कंगाली में तोड़नी चाहिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंगाली नहीं देखी, आज इसने मुझे दिखा दी। मुझे कभी अपनी गुल्लक नहीं तोड़नी पड़ी, आज तोड़नी पड़ेगी। दादाजी आपके पास भी गुल्लक है? हाँ बेटा। कहाँ है फिर बताओ? बेटा पूरी जिंदगी की कमाई की गुल्लक है, घर में थोड़ी आएगी। बहुत बढ़िया। क्या? हाँ। कहाँ है फिर बताओ? दोनों चलो मेरे साथ। चलो अब दोनों हाथ हटा लो, देखी मेरी गुल्लक कितनी बड़ी है। कहाँ है? क्या नहीं दिखी गुल्लक? नहीं। हाँ मुझे भी नहीं दिखी। मेरे पीछे देखो। क्या बात है दादाजी, इतनी बड़ी गुल्लक फुल पैसों से भरी हुई है ये। अच्छा, आपके पास इतनी बड़ी गुल्लक थी फिर भी इतनी कंजूसी करते हो? तो क्या तेरी तरह जुए में लगा दूं? दादाजी आपने इसे यहाँ रखा है, अगर कोई तोड़ के सारे पैसे ले जाता तो? बेटा मैंने इसे बहुत मजबूत बनवाया है, अगर कोई इस पे परमाणु बम भी फोड़ देना तो भी नहीं टूटेगी। अगर यूं ही टूट जाती तो कोई भी इसे तोड़ के मेरी जिंदगी भर की कमाई ले जाता। दादाजी अगर टूटेगी नहीं है तो आप भी कैसे ले पाओगे अपने पैसे?
अरे हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और कोई ये गुल्लक तोड़ जाओ, टूट नहीं रही है। अरे बेटा कोई नहीं तोड़ पाएगा।